इस बार हर प्रोमो में और सलमान सर से भी हमने विश्वसुंतरी के बारे में कितना सुना है कि नहीं? आखिर है कौन ये विश्वसुंतरी जिसने बिग बॉस से शुरू होने से पहले ही दंगल फैला दिया है? चलिए जरा पता लगाते हैं इनका राज और बात करते हैं स्वयं विश्वसुंतरी से। ओ ये रही विश्वसुंतरी है ना? तो विश्वसुंतरी जी, पहली बार हम आपको बिग बॉस के घर में देखने वाले हैं। आपका योगदान क्या होने वाला है? योगदान होगा ना आहा जादू की इस जंगल का। इस जंगल पर मेरा ही राज चलता है। मेरी इस हंसी से यहाँ के मौसम बदल जाते हैं और हवाओं में खुशबुएं बिखर जाती हैं। तुम बताओ क्या नजर आता है तुम्हें? मैं इस जादू से हूँ या ये जादू मुझसे है? एक बात याद रखना, जब यहाँ से गुजरो तो मेरी इस आवाज पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है इस आवाज से तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए। वाह। विश्वसुंदरी जी, बिग बॉस में इस सीजन होने वाला है दंगल, क्योंकि कंटेस्टेंट्स पड़ेंगे इन संकट, तो विश्वसुंदरी उनके संकट कम करेंगी या बढ़ाएंगी? संकट का तो मेरे इस जादू से बड़ा पुराना नाता है। दुश्मनी का मेरी आवाज सुनी और संकट गायब। अगर कोई मेरा कहना मानेगा तो संकट से दूर हो जाएगा, वरना फंसा रहेगा संकट में। अब ये तो सामने वाले पर है कि उसे किस पर भरोसा है, मेरी इस आवाज पर या खुद पर। अगर मुझ पर भरोसा है तो आ जाएगा मेरे पास, जरूर मदद होगी उसकी। लेकिन कब, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा तो आप ये बताइए कि कैसा होगा आपका और हमारे होस्ट मिस्टर सलमान खान का तालमेल? आप दोनों मिलकर क्या एक्साइटिंग करने वाले हैं? सलमान का और इस जादुई जंगल का नाता बहुत पुराना है। हमारा तालमेल कैसा है? वैसा तालमेल तो किस्से कहानियों में ही लोगों ने सुना होगा, पर सलमान को मुझ तक पहुंचने में पूरे 15 साल लग गए। बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे उसे यहाँ पाकर। पूरे 15 साल इंतजार किया है मैंने, और अब ये जो हमारा तालमेल है ना, ये सुनने वाली नहीं देखने वाली बात है। बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, मैंने 15 साल इंतजार किया है, तो क्या आप थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते? बस पर्दा उठने ही वाला है, देखते रहिए। तो अब आप विश्वसुंतरी से तो रूबरू हो ही चुके हैं, पर अभी और भी लोगों से क्या आप मिलना चाहेंगे? हमारे BB15 के कुछ कंटेस्टेंट से? आहा, हम उनके नाम नहीं बताएंगे, आप खुद ही देख लीजिए कि ये कंटेस्टेंट्स कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं। Hi guys, this is Donald Bish, and आप हमेशा से मुझे Big Boss House में देखना चाहते थे, so this is the time I am coming in Big Boss 15. I am very excited. How much you are excited? Do let me know. आप हमेशा से चाहते थे कि मैं क्या करती हूँ, क्या कैसे behave करती हूँ, everything you wanted to know about me. So this is the time. Don't miss it. And मैं contestants को बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप मेरे साथ behave करेंगे, वैसे ही आप पाएंगे. So let's be friends and spread love. See you in the Big Boss. नहीं होने वाला है। Spread love. जो नहीं होने वाला है। Everyone, मेरा नाम है उमर रियाज।
बिग बॉस 15 में बहुत ही सारी मस्ती, एंटरटेनमेंट और बहुत सारा मजा आने वाला है, तो प्लीज आप देखिए. और बिग बॉस 15 और बिग बॉस का मैं बहुत फैन रह चुका हूँ इस शो का, और काफी अरसे से देख रहा हूँ, और आज पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, तो मैं आई कांट बी मोर हैप्पी. और कंटेस्टेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर समझ के हल्के में ना लीजिए, बवालों में. क्या बात है, not bad. तालियां बनती है गाइस, प्लीज बनती है ना ताली, इतनी कम तालियां, अभी इतना जोश दिखा रहे थे टास्क पे. वैसे एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का थीम है ना वो परफेक्ट है, क्योंकि वैसे भी आधे लोग ना अंदर जाके जंगली हो ही जाते हैं, और हो जाएंगे ना वो भी जंगली हो जाते हैं, और जो जंगली होते हैं वो हैवान बन जाते हैं. इशारा मेरे ऊपर मत कर दू. एनीवे, बट गाइस, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए, इससे भी बड़ा जो अभी हमें पता चला है. यस, और जो आप लोगों को नहीं पता है, नहीं पता है, तो वो है जो OTT प्लेटफॉर्म से, मतलब OTT बिग बॉस से जो दो कंटेस्टेंट्स बिग बॉस 15 के घर के अंदर जा रहे हैं, आई मीन द मेन हाउस में जा रहे हैं, वो है शमिता शेट्टी एंड दूसरा नाम है निशांत भट्ट. तालियां बजाओ यार. यस, अभी क्या है, तो अब हम लोग को भी नहीं हो गया. तो हम सब लोग जंगल में आ ही गए हैं. ओके, तो हम सब लोग जब जंगल में आ ही गए हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फिर एक फोटो बन जाए, हमारी भी बनती है. हम कब से मौका ढूंढ रहे थे, फोटो खींचने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा था. बड़े बड़े लोग खिंचवा रहे थे, हम छोटे छोटे लोग भी खिंचवा ले. डिजाइनर पीटेगी मुझे अगर इसमें. प्लीज तुम लोग अच्छे अच्छे फोटोज निकालना. हाँ, मतलब मैं डिजाइनर को दे सकूं ऐसे फोटोज निकालना. I'll come here only, or I'll go that side. Thank you. Are you done?
देखा अच्छा फोटो है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिग बॉस से एसोसिएट होना ही बहुत प्राउड मोमेंट है, बिकॉज ऑनेस्टली आज आरती सिंह जो कुछ भी है वो बिग बॉस ने उसे बनाया है, तो मेरे लिए इस शो से एसोसिएट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा पहला होस्टिंग था, सो आई थिंक मेरा नया जन्म भी एक इस शो से शुरू हुआ एंड होस्टिंग भी आई थिंक आई जस्ट होप यहाँ से शुरू हुए, क्योंकि ये फर्स्ट होस्टिंग आई हैव डन एंड आई होप आई वाज नॉट बैड एंड नो आई लव यू, थैंक यू सो मच। आई थिंक नेचुरली किया मैंने, बिकॉज मैं नॉर्मल बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, सो That's it. So, ये जो जंगल की हमें फाइटिंग देखने को मिली, उसकी तरफ से आपका स्टंट भी देखने को मिला, तो जरा उसके बारे में कुछ बताइए कि फाइटिंग में ज्यादा आपको इंटरेस्ट आया या वो स्टंट जो हमने आपकी तरफ से देखा? नहीं, मुझे फाइटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट आया, और हमारे मीडिया वाले आई मीन यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है मीडिया वाले इतने मतलब मस्त होते हैं और उनके इतना दिमाग चलता है, आई थिंक एक ऐसा बिग बॉस बनाना चाहिए जिसमें मीडिया वालों को डालना चाहिए अलग अलग मतलब प्लेटफॉर्म के, और बहुत मज़ा आया। सब अलग ही एलिमेंट्स में थे और झगड़े भी कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे, एंड डेफिनेटली बिग बॉस की याद ताज़ा हो गई एंड स्टंट मज़ा आया एंड आई लव, मेरे को बहुत पसंद है यह हार्नेस वगैरह, मुझे पसंद है, मैं थोड़ा मैं नाजुक कली हूँ नहीं, तो मुझे मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ, सो आई रियली एंजॉयड इट। डेफिनेटली मुझे लगता है मीडिया वालों को बिग बॉस भेजना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थीम, बिकॉज वैसे भी आधे लोग मुझे ऐसा लगता है अंदर जाके जंगली हो ही जाते हैं, और जो थोड़े ठीक ठाक जो जंगल और जंगली ऑलरेडी होते हैं वो अंदर जाके हैवान हो जाते हैं, क्योंकि आत्माएं भी भटकती हैं ना, भूते भी भटकते, भूत हो जाते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थीम विच, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा टफ होने वाला है इस बार, सो आई जस्ट होप कि ये लोग सर्वाइव करें और अच्छा करें एंड दैट्स इट। दो तीन नाम का खुलासा तो हाँ है बिग बॉस 15 में, अमिता जी एंड और भी कुछ एक है, तो आप बताइए कि आप किसे देखना चाहती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में आपके भी ढेरों सारे दोस्त हैं, तो किसी को आप चाहती है कि यहाँ जंगल में आए एंड मंगल करे फाइटिंग की, जो भी आप मतलब इनमें से ही बताऊँ आपका फेवरेट? सी मुझे ऑनेस्टली इनमें से अगर मैं कहूँ तो फिर मैं उमर को देखना चाहूँगी, क्योंकि आसिम इतना मतलब एक्साइटिंग एंड मतलब रियल एंड व्हाटएवर जो था, तो उमर का वो रूप नहीं देखा है, तो उमर को वो देखना चाहूँगी। और अगर कोई बाहर से कोई आई डोंट नो आई मीन कुछ जो आई थिंक मेरे को लगता है अभी उमर तक मैं टिकती हूँ, वैसे मैंने बाकी लोगों का सुना नहीं है, एंड आई वुड लव टू गो अगेन इफ आई एम ऑफर्ड फॉर श्योर। आखिरी बिग बॉस 15 आप कुछ कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों के लिए, कुछ भी? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बार का बिग बॉस और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, सो डेफिनेटली वॉच करिए, देखिए, और जो कंटेस्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं रह चुकी हूँ उस घर में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो बहुत अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मेहनत अलग तरीके की होती है अंदर, सो प्लीज़ वॉच द शो बिग बॉस 15 एंड ऑल द बेस्ट टू कलर्स। थैंक यू। बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है जब से आई हूँ, और अभी थक गई हूँ बट यस ऑल्सो आई एम एंजॉयिंग अ लॉट ऑनेस्टली गाइज, बिकॉज बिग बॉस लॉन्च होस्ट करना भी बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड स्पेशली सलमान सर से फिर से यू नो भले ही हमने टीवी पे हम मिले हैं, बट आई एम एक्साइटेड, एंड मोर देन दैट द एक्टिविटीज़ यार, द टास्क, मतलब मैं सच एक तो बिग बॉस की आवाज़, एक बिग बॉस के टास्क, और एक सलमान सर, मैं सिर्फ इन तीनों चीज़ों के लिए मैं बिग बॉस के घर आती हूँ, एंड आई जस्ट लव देम, एंड टास्क आज तो हमारे मीडिया भाई बहनों के साथ था, एंड विच वॉज लाइक फैब अगेन,
बिकॉज दे वो फैब दे प्लेड लाइक कि ऐसा लग रहा था कि सच्ची में तो उनको ही ट्रॉफी मिलने वाला है. दे वो सो डेडिकेटेड एंड उन्होंने इतना अपना एफर्ट डाला है. आई रियली अप्रिशिएट इट. या इट वॉज अमेजिंग. मैं सच्ची बता रही हूँ, ये जो टास्क वर्ड है ना वो सुनते ही मेरे अंदर कुछ होने लगता है. मुझे नहीं समझ में आता कि आगे कौन है, पीछे कौन है, मैं क्या कर रही हूँ, किसके साथ कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ. मुझे बस इतना दिखता है टास्क है, एक गोल है, उसे अचीव करना है. नाउ यू हैव टू अचीव इट. जैसे बोलते हैं ना कि वो एक बस चिड़िया का वो आग दिखता है, आपको बस तीर मारना होता है. सो मेरा भी वैसे ही हो जाता है लक्ष्य की एक टास्क है, इसको कंप्लीट करना है कैसे भी करके. एंड यस, आई पुट माय 100% एंड स्पेशली जब आपके आसपास भी जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं वो भी जब उतने ही एंथू के साथ, उतनी ही स्पीड के साथ सारे एफर्ट्स डाल के जब खेलते हैं तो बात मतलब उसको बोलते हैं सोने पर सुहागा हो जाता है. इट इज़ फैंटास्टिक थीम एंड आई रियली एनवी दैट बिकॉज मुझे खुद को पर्सनली भी ऐसे एडवेंचरस लाइफ मुझे पसंद है. सो यू नो जंगल में रहना, सर्वाइव करना, वाओ, इट साउंड सो इंटरेस्टिंग. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब कंटेस्टेंट्स आएंगे किस तरीके का यू नो टास्क होगा या किस तरीके से वो सर्वाइव करेंगे. It sounds damn interesting and this is why maybe हम लोग इसलिए जंगल में हैं. बट सलमान सर ने जैसे कहा जंगल में उन्हें मंगल भी देखना है, दंगल भी देखना है, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ दंगल देखना है, मुझे मंगल नहीं देखना है. वैसे तो सारे कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे हैं बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी उमर रियाज बिकॉज वी हैव ऑल सीन आसिम राइट. सो बट मैंने सुना है कि उमर उनसे थोड़ी अलग हैं. मैं कभी मिली नहीं हूँ पर्सनली बट होता है हर किसी का एक स्पार्क होता है. सो मुझे वो पोटेंशियल दिख रहा है एंड आई एम श्योर कि उमर विल डू ग्रेट एंड आई रियली होप कि मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे उस पर वो खड़े उतरे. सी इसके बारे में जैसे कि आपको पता नहीं था बट आपको अच्छा लगा ना धमाका हुआ ना, तो वैसे ही मुझे धमाका देने में ज़्यादा मज़ा आता है. सो यस, टाइम टू टाइम जैसे ही कुछ ना कुछ आता रहेगा आप सबको पता चलता रहेगा. सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स. सो इतना ही कहना चाहूँगी जो यू नो सलमान सर कहते हैं 5-5-5 एंड बिग बॉस 15 के लिए हो जाइए तैयार. सो यस, बस अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और फटाफट अपना डिनर विनर करके ख़त्म हो जाइए का 2 अक्टूबर से. एंड प्लीज़ बिग बॉस 15 प्लीज़ बोलने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे पता है नहीं भी बोलूँगी बोलूँगी मत, देखो फिर भी देखोगे. सो देखो क्योंकि मैं भी देखने वाली हूँ. थैंक यू. Thank you.